हेलो एवरीवन वेलकम बैक लेट्स बिगिन विद द न्यू क्वेश्चन द क्वेश्चन इज इवेल्युएट इंटीग्रल माइनस टू टू थ्री वन अपॉन एक्स प्लस फाइव डी एक्स नाउ वेरी इज क्वेश्चन सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली बिगिन विद सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रल हमें दिया हुआ है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं आई ऑल सो वी हैव आई इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस टू टू थ्री वन अपॉन एक्स प्लस फाइव डी एक्स अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको सिर्फ यह चेक करना है कि यह जो फंक्शन है यह किस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है राइट सो लेट्स हैवे लुक एट दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूले अपियरिंग ऑन द स्क्रीन आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स इज लॉग मॉड एक्स एंड इंटीग्रल वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी द होल डिवाइडेड बाय ए नाउ इफ यू ऑब्जर्व द गिवन फंक्शन केयरफुली दिस इज मैचिंग विथ फॉर्मूला, राइट right? तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो दिस विल बिकम लॉग मॉड एक्स प्लस यहां पर डिवाइडेड बाई ए भी है तो ये ए से हमने यहां पर क्यों डिवाइड किया हुआ है क्योंकि यहां पर एक्स का कोट इज ए राइट एक्स का कोफिशियंट इज ए बट हमारे केस में एक्स का कोफिशियंट है वन तो वन से डिवाइड करने की कोई जरूरत इवेंचुअली अगर आप वन से डिवाइड भी करोगे तो यही मिलने वाला है ऑल राइट सो दिस इज योर फाइनल इंटीग्रल एंड क्योंकि यहां पर लिमिट्स भी दी हुई है आपको तो इसको हम क्या करेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड लोअर लिमिट माइनस टू अपर लिमिट थ्री अब इसके बाद हमको सिर्फ फाइनली क्या करना है जहां भी एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर सब्स्ट्रीट्यूट करनी है अपर लिमिट दैट इज थ्री एंड माइनस जहां भी एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर सब्स्ट्रीट्यूट करनी है लोअर लिमिट दैट इज माइनस टू सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा थ्री सब्सटीट्यूट करने पे लॉग ऑफ थ्री प्लस फाइव माइनस लॉग ऑफ माइनस टू प्लस फाइव करेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नॉ लॉग ऑफ थ्री प्लस फाइव विल बी लॉग एट देन माइनस एंड लॉग ऑफ माइनस टू प्लस फाइव विल बी लॉग थ्री एंड व्हाट इज लॉग एम माइनस लॉग इन कम ऑन Yes, log m minus log n is log of m upon n. So, overall log 8 minus log 3 will be log of 8 by 3. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.